दोस्तों अगर आप ही रविंद्र जडेजा को बैटिंग और बॉलर दोनों में पसंद करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज रविंद्र जडेजा के बारे में कुछ दिखा रहा हूं। तो चलो अब शुरू करते हैं। दोस्तों रविंद्र जडेजा की गिनती दुनिया के नंबर वन ऑलराउंडर में होती है। वह गेंद के साथ साथ बल्ले से भी धमाल मचाने के लिए जाने जाते हैं। रविंद्र जडेजा इन दिनों भी जबरदस्त फॉर्म में है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में घातक प्रदर्शन करते हुए 16 रन की नबात पारी खेली। इसी के साथ रविंद्र जडेजा ने खुद को एक सूची में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से आगे कर लिया है। भारत के लिए 175 वनडे मैच खेलने वाले रविंद्र जडेजा ने अपने करियर में 42वीं बार नबात पारी खेली। साथ ही वह वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा पारी खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में चौथे नंबर पर आ गए हैं। इससे पहले वह चौथे नंबर पर ही थे, लेकिन अब उन्होंने सचिन तेंदुलकर जो 41 पारियों के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर है। इस सूची में महेंद्र सिंह धोनी टॉप पर मौजूद है। वहीं विराट कोहली रविंद्र जडेजा और सचिन तेंदुलकर से भी नीचे है। इस मुकाबले में वह कपिल देव को पीछे करते हुए वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। रविंद्र जडेजा ने भारत के लिए साल 2009 में डेब्यू किया था। वह अपने करियर में 14 साल के शुरुआती फेज में वह एक शानदार गेंदबाज के तौर पर ज्यादा जाने जाते थे, मगर पिछले कुछ सालों में अपनी गेंदबाजी से जडेजा ने तीनों प्रारूप में एक खास पहचान बनाई है। वनडे में रविंद्र जडेजा के नाम 2552 और 194 विकेट दर्ज है। ये रहा जडेजा का अब तक का रिकॉर्ड। दोस्तों इससे ज्यादा कुछ जानकारी हो तो अपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट।